हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हैज़ अ साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास सेवन्थ का 11th चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने हार्ट की वर्किंग के बारे में पढ़ लिया था, ब्लड के बारे में पढ़ लिया था, सर्कुलेशन कैसे होता है हमारे यहाँ पर ब्लड का, सब कुछ हमने इसके बारे में स्टडी कर लिया था। तो आज हम हार्ट बीट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हम हार्ट बीट के बारे में पहले भी एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, दैट इज़ पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता था? नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, एक मिनट में हमारी बीट्स कितनी आ रही है, हमारा हार्ट कितनी बार पंप कर रहा है, दैट इज़ इट्स पल्स रेट। तो नॉर्मल हमारा जो ह्यूमन था उसका पल्स रेट क्या आया था, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो 72 से 80 टाइम वो बीट करता है एक मिनट में। तो आज हम हार्ट बीट के साथ स्टार्ट करते हैं। हार्ट बीट, द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। अब हमने चैम्बर्स के बारे में पढ़ा था, हार्ट के क्या होता था, हमारे हार्ट में फोर चैम्बर्स होते थे, पिछली वीडियो हमने स्टडी कर लिया है। पहले यहाँ पर प्योर ब्लड होता है और यहाँ पर इम्प्योर होता है। रेड कलर से क्या शो होता है कि ये प्योर ब्लड है एंड इट इज़ इम्प्योर ब्लड। पहले ब्लड यहाँ आता था, फिर ये एक्सपेंड होगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा और दोबारा ब्लड यहाँ जाएगा। इधर से भी क्या होता है, ब्लड आता है, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंड होने के बाद फिर से कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड यहाँ आ जाता है और यहाँ से लंग्स में जाता है और यहाँ से कहाँ जाता है, फुल बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो यही हम देख रहे हैं, द वॉल्स ऑफ चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। अब चैम्बर्स की जो वॉल्स होती हैं, जो हमने चार हमने चैम्बर्स पढ़े हैं, वो मसल से बनी होती है। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। भी हमारे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती हैं मसल, जो मैंने चैम्बर्स के बारे में स्टडी करवाया था, तो ये किस वजह से होती है, हार्ट बीट के कारण। इसी को ही कहते हैं कि हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, पंप कर रहा है, जिसकी वजह से कभी एक्सपेंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक्सपेंड होती है और फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आर लाइफ। हार्ट बीट्स जो है वो कंटिन्यू रहती है हमारी थ्रू आउट लाइफ में। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। हम अपनी हार्ट बीट को फील भी कर सकते हैं अगर हम अपना हाथ रखें अपनी चेस्ट पर। डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज स्टेथोस्कोप। अब जो हमारा डॉक्टर है वो हमारी हार्ट बीट को चेक करता है। हम देखते हैं जब भी हम बीमार होते हैं या हमें कोई कफ होता है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, जो कि दिखाया गया है। इसे ये चेस्ट पर रखते हैं, इसे अपने दोनों कानों में लगाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी हार्ट बीट सुन सकते हैं। अ डॉक्टर यूजेज द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट। अब डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज़ क्यों करता है, बिकॉज यहाँ पर जो होता है एक माइक की तरह एक डिवाइस लगा होता है, जिसकी वजह से जो हमारी हार्ट बीट है वो थोड़ी एम्पलीफाई होकर सुनाई देती है, मतलब ज़्यादा आवाज़ में सुनाई देती है। नहीं तो हम अपने हार्ट बीट को अगर सुनना चाहे तो हमें वहाँ कान लगाना पड़ेगा या फिर हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक एम्पलीफिकेशन डिवाइस लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा आवाज़ में उन्हें कानों तक सुनाई देती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम टू ईयर पीसेस। उन्होंने कहा है कि जो स्टेथोस्कोप है उसके पास एक चेस्ट पीस होता है और ये दो ईयर पीस होते हैं जो अपने कानों में लगा लेते हैं। डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू द स्टेथोस्कोप। हमारे हार्ट की कंडीशन को वो पता लगा लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्टेथोस्कोप की वजह से। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रेशन इन एनिमल्स। एक्सक्रेशन क्या होता है, हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर आना। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। अब हम ध्यान देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होती है हमारी बॉडी में से थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हम सांस छोड़ते हैं, जब लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जब एक्सहेल करते हैं तो हमारे यहाँ से CO2 एमिट आउट हो जाती है। ऑल्सो रिकॉल दैट अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन। हमारी बॉडी में से जो अनडाइजेस्टेड फूड भी बाहर आ जाता है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। व्हेन आर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज। जब हमारे सेल्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बाहर निकाल देते हैं। दीज आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड टू बी रिमूव्ड। ये जो होते हैं जहरीले होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब हमारा जो सारा फूड है, हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम हेल्दी फूड भी खा रहे हैं तो उसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल नहीं है, वो हार्मफुल सब्सटेंस कंटेन करता है। कुछ सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को नीडेड होते हैं वो उसे डाइजेस्ट कर लेती है और बाकी के सब्सटेंस को वो रिमूव कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। वो प्रोसेस जिसमें हम वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सक्रेशन। और द पार्ट्स, जो भी पार्ट्स उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं ताकि हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकें, उनको बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। मतलब उन सारे पार्ट्स को कलेक्ट करके अगर हम गए तो वो पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। डेफिनेटली हमारी बॉडी में जो वेस्ट है उसे बाहर निकालना ज़रूरी है। ये हो कैसे सकता है, अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड। हमारी बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें हम ब्लड को फिल्टर आउट कर सकें, यानी कि प्योर ब्लड को रख सकें
और इम्प्योर जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल सकें। दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। ये किसके द्वारा किया जाता है? किडनीज से। फिल्ट्रेशन का वर्क जो है मेनली किडनीज के द्वारा किया जाता है। व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। जब ब्लड हमारी किडनी तक जाता है तो उसमें यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। बिकॉज मैंने आपको बोला है फूड में भी यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, इसी तरह ब्लड में भी। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। यूजफुल सब्सटेंस क्या होता है? ब्लड में वापस रह जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं? रिमूव किया जाता है यूरिन की फॉर्म में। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू अ ट्यूब लाइक यूरेटर्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किडनीज से हमारा जो ब्लड आ रहा है, यहाँ किडनी से जो हमारा यूरिन आ रहा है, सॉरी हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ तो फिल्टर आउट हो चुका है, तो यहाँ से जो यूरिन आ रहा है कहाँ पे जा रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है। किसके थ्रू? यूरेटर्स के थ्रू। ये यूरेटर्स दो पाइप्स हैं, दोनों किडनी से निकल रहे हैं। किडनी से आया, फिल्टर होके यूरिन यहाँ पे कहाँ जाएगा? यूरेटर से होता हुआ हमारा यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा एंड देन यूरिनरी ओपनिंग। फाइन, इट इज़ स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। ये हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर ये स्टोर हो जाएगा यूरिन एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की जो एंड है यूरिनरी ओपनिंग, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। द किडनीज यूरेटर्स ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है? हमारा किडनी प्रेजेंट है, यूरेटर्स प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ओपनिंग। ये जो फाइव हैं कंपोनेंट्स ये मेन हैं। एन एडल्ट ह्यूमन बींग नॉर्मली पासिस अबाउट 1 to 1.8 liter ऑफ यूरिन 24 hours। एक दिन के अंदर एक जो हेल्दी पर्सन है या एडल्ट ह्यूमन है वो इतना यूरिन रिलीज आउट कर सकते हैं, 1 to 1.8 liter। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर। अब इस यूरिन के अंदर क्या क्या होता है? 95% तो वाटर होता है, 2.5% यूरिया केमिकल होता है, 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि एक ह्यूमन जो है कितना यूरिन रिलीज आउट कर सकता है, 1 to 1.8 liters, और यूरिन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन द प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस क्या होता है हमें भी पता है, वो खाना भी बनाते हैं, खाते भी हैं और उसे वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज आउट भी करते हैं। अब ये होता कैसे है? इन चैप्टर वन यू लर्न दैट प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स। हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कि जो प्लांट्स हैं वो क्या क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं। कहाँ से? सॉइल से। सॉइल में क्या होती है? उनकी रूट्स होती हैं। रूट्स क्या करती हैं? उनको वाटर को और मिनरल्स को ले लेती हैं और वो पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो पानी रूट से आया कहाँ तक आया? लीव्स तक आया। लीव्स ने क्या किया? फूड बनाया। किसकी मदद से? वो पानी जो आया और कार्बन डाइऑक्साइड ली जो उन्होंने सन से ली During photosynthesis. You can also learn in chapter 10 that food is a source of energy and every cell of an organism gets energy by the breakdown of glucose. हर एक सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। अब ये सेल को एनर्जी चाहिए क्यों होती है? ताकि वो हमारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके, प्योरिफिकेशन का प्रोसेस कर सके, अपनी वर्किंग कर सके। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए हर एक सेल को जो है फूड ट्रांसपोर्ट होना चाहिए ताकि वो अपनी एनर्जी गेन कर सके और हमारी एक्टिविटीज़ कर सके। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब जो प्लांट में है वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। प्लांट्स जो हैं वाटर और मिनरल्स को कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? रूट्स से एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्योंकि हम पानी कहाँ देते हैं? नीचे ही देते हैं, ज़मीन पर, सॉइल में, तो वहीं से जो है पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स हैव रूट हेयर। रूट्स के पास क्या होते हैं? रूट हेयर होते हैं जो कि इसमें ऐसे दिखाए गए हैं। ये हमारे क्या हैं? रूट हेयर। अभी रूट हेयर करते क्या हैं? द रूट हेयर इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अभी रूट हेयर क्या करते हैं? सर्फेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सके। एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट डिसॉल्व्ड इन द वाटर। द रूट हेयर इज इन द कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। रूट हेयर किसके कॉन्टैक्ट में रहते हैं? जो भी पानी हम सॉइल में दे रहे हैं वो हेयर जो है फैल जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। अब पानी तो हमने सॉइल में दिया, रूट्स में दिया, लेकिन वो लीव्स तक कैसे पहुंचा? व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स। किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट है? वेल, बूजो इज राइट, प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर। उनके अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी पाइप लाइक वेसल्स होते हैं जो पानी और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। द वेसल्स मेड ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग वेस्कुलर टिश्यूज। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स के बारे में तो हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में।
तो टिश्यू क्या होता है, उन्हीं सेल्स का एक ग्रुप होता है। द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स इज कॉल्ड एक्साइलम। इन्होंने क्या बोला है, द वेसल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब ये जो वेसल्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर या फूड को, द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू। अब ये वेसल्स किससे बनी होती है, स्पेशल काइंड ऑफ सेल से बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। सेल्स आ गया यानी कि काफ़ी सारे सेल्स, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल आ गया तो टिश्यू। और कौन सा टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू। अब वेस्कुलर टिश्यू जो कि पानी को और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है एक प्लांट में, दैट इज एक्साइलम। और जो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा वो उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो जो पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा दैट इज एक्साइलम। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यू नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड। लीव्स जो है फूड बनाती हैं, किसकी मदद से, CO2 और वाटर की मदद से। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि हर एक सेल को, हर एक पार्ट को अपनी एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। इसी तरह प्लांट के भी हर पार्ट में हमें फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन होती कहाँ से, ये एक टिश्यू की मदद से होती है जिस टिश्यू का नाम है फ्लोएम टिश्यू। एक्साइलम टिश्यू क्या करेगा, वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, और फ्लोएम क्या करेगा, हमारे फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। फाइन, इसके बाद आता है हमारा ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉयल। प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स वाटर को सॉयल से। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। अब सारा का सारे पानी जो भी एब्जॉर्ब हुआ है, सारा का सारा जो है फूड में यूज़ नहीं होता। द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। अब स्टोमेटा प्रेजेंट होता है हमारे लीव्स के सर्फेस पे। क्या होता है स्टोमेटा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज आउट करते हैं डे टाइम में। सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, कुछ पानी जो है उस स्टोमेटा यानी कि उन छोटे छोटे पोर्स की मदद से इवेपोरेट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपिरेशन। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट्स सक्शन पुल। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, लीव्स में जो वाटर इवेपोरेट होता है एक पुल यानी कि खिंचाव क्रिएट करता है। द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रो। सेम वही खिंचाव होता है जब हम किसी स्ट्रो से पानी को सक करते हैं। विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। अब वही जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है जो लीव्स के अंदर एक सक्शन पुल क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से जो पानी है वो डिफरेंट हाइट्स तक चला जाता है, क्योंकि कुछ पेड़ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और उनके हर पार्ट तक पानी को इसकी मदद से ही पहुँचाया जाता है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। ट्रांसपिरेशन कूलिंग भी प्रोवाइड करता है प्लांट की। ओके, इसके बाद हमारा चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू।